गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन घरसाना वी स्टार्ट वेल्थ क्लास फिफ्थ चैप्टर हाउ योगा हिल्स फिफ्थ चैप्टर का अपने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हाउ योगा हिल्स अच्छा चैप्टर है पाना योगा के बारे में बताया गया है कि योगा हमें हेल्दी कैसे रखता है योगा की वजह से हम अपने बॉडी को हम अपने माइंड को किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं इस बारे में इसके अंदर डिस्कशन किया है योगा एज ए थेरेपी किन किन डिजीज के लिए यूज किया जा सकता है कल जितना भी चैप्टर मैंने आपको करवाया एक एक लाइन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन से एक आंसर बनता है इसके अंदर तो आज अपने अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं उम्मीद है आपने जितना भी कल करवाया वो पढ़ लिया होगा तो नेक्स्ट देखो क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली क्रॉनिक स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है लगातार स्ट्रेस रहना लंबे टाइम से जो स्ट्रेस रहता है हमारे दिमाग में कैन लीड टू ये नेतृत्व करता है लीड आगे बढ़ता है कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कॉरेस्ट्रोल कोर्टिसोल सॉरी हाई लेवल का कोर्टिसोल हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको कोर्टिसोल बोला जाता है तो लगातार यदि हमारे शरीर में स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से क्या है हाई लेवल का कोर्टिसोल हो जाता है दिस हार्मोन इसी के बारे में बात की है कोर्टिसोल के बारे में कि दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल यदि यह हार्मोन नॉर्मल लेवल पे है हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी तब तो यह क्या करेगा मेंटेन रखेगा एन एक्टिव एक्टिव सक्रिय हेल्दी बॉडी एकदम स्वस्थ शरीर क्या है कि लगातार यदि हमारे शरीर में स्ट्रेस रहता है कंटिन्यूसली तो हाई लेवल का कोर्टिसोल हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है तो ये हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल पे है दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल तब तो ये हमारी हेल्प करेगा कि हमारा जो हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी और हेल्दी रहेगी हेल्दी और एक्टिव बॉडी में क्या क्या शामिल है इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर की जो भी प्रोसेस होती है, क्रिया बोला जाता है इसको तो हमारे शरीर की जो भी रासायनिक क्रिया होती है इसको सही रखता है एंड ब्लड प्रेशर और हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को एक्चुअल में हिंदी में रक्तचाप बोला जाता है ब्लड प्रेशर समझ गए होंगे सभी तो यदि ये कोर्टिसोल जो है ये हार्मोन नॉर्मल लेवल पे हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर एक्टिव रहेगा हेल्दी रहेगा हेल्दी के अंदर क्या शामिल है हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और सिस्टम भी नॉर्मल रहेगा बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल एक्सेसिव होता है अत्यधिक इसको क्या बोला जाता है एक्सेसिव को अत्यधिक बहुत ज्यादा मात्रा में यदि अत्यधिक मात्रा में कोर्टिसोल हो जाए कैन सप्रेस होता है दमन करना सप्रेस द इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या होती है इम्यूनिटी पावर होती है हमारे शरीर के अंदर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम को रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम को क्या कहते हैं रोग प्रतिरोधक

भूख की कमी हो जाएगी यहां तक चारों लाइन इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन बनता है कि यदि हार्मोन कोर्टिसोल जो नॉर्मल लेवल पे है तब हमारे शरीर के अंदर क्या इफेक्ट करता है और यदि वही कोर्टिसोल ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट करेगा तो क्या करेगा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को दबाव दमन कर देगा हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी हमारी नींद जो नींद नहीं आएगी यानी कि इंसोमिया uh, प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं एनिंद्रा की बीमारी वो हो जाएगी लॉस ऑफ एपेटाइट भूख की कमी होगी हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट यदि उच्च स्तर का कोर्टिसोल होता है इंक्रीज बढ़ा देता है हार्ट रेट हृदय गति को हार्ट रेट जो होती है हमारे शरीर की उसके अंदर भी इंक्रीजमेंट आ जाती है यदि ये कोर्टिसोल हाई लेवल के ऊपर है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एंड योर कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी तो मोटापा बढ़ेगा और मोटापा बढ़ेगा तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है तो हाई लेवल के कोटेस्ट्रोल के अंदर और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं हार्ट रेट बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर के अंदर बढ़ोतरी होती है कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है एंड ट्रिगलीरसाइड ट्रिगलीसाइड लेवल किसको बोला जाता है इसको बोलते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है उसी की वजह उसी तरह की की वजह वजह से से ब्रेन के के ऊपर ऊपर अटैक होता होता है। है, है, है। ये 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 जो सबसे बड़ा खतरा हमारे दिमाग के होता है। रिस्क लेवल की से क्या होगा खतरा बन जाएगा हार्ट अटैक की वजह और एंड स्ट्रोक स्ट्रोक मतलब दिमाग के ऊपर चोट लगना दोनों ही प्रॉब्लम हो जाएगी किसकी वजह से हाई लेवल के कोर्टिसोल की वजह से द बायो प्रोडक्ट ऑफ कोर्टिसोल एक्ट सेडेटिव बायो प्रोडक्ट बायोप्रोडक्ट होता है अपने आप निर्माण होना कोर्टिसोल का हमारे शरीर में अपने आप निर्माण होता है एक्ट एज एज सेडेटिव सेडेटिव तो ये काम करेगा होता है है दवाई के के रूप रूप में एक रूप में एक औषधि ठीक यदि ये कोर्टिसोल हमारे शरीर में अपने आप निर्माण हुआ है तो, तो ये एक औषधि के रूप में निर्माण होगा विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड जिसकी वजह से क्या है हमारा मूड चेंज होता है स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जिसकी वजह से हम क्या करते हैं एक तखिद को तनाव में डिप्रेशन में महसूस करते हैं फॉरचूनेटली द बॉडी हैज अ नेचुरल काउंटर बैलेंस भाग्यपूर्ण यानी कि हमारा भाग्य अच्छा है फॉरचूनेटली हमारे शरीर के अंदर एक स्वाभाविक रूप से काउंटर बैलेंस पाया जाता है यानी कि एक संतुलन की स्थिति है हमारे शरीर में किस चीज की फाइट और फ्लाइट रिस्पांस की लड़ो और भाग जाओ हमारे शरीर में अपने आप ही नेचुरली एक बैलेंस करने को खुद को बैलेंस करने की एक पावर है जिसको हम क्या बोलते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम जिसकी वजह से हम हमारे सामने कोई भी कंडीशन है उसको फेस कर सकते हैं कितनी भी बड़ी बात हो उसको सहन कर सकते हैं बियर कर सकते हैं वो क्या वजह है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा नेचुरल काउंटर बैलेंस है कार्ड द पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र अपने आप को स्थिलीकरण करने का तंत्रिका तंत्र और द रिलैक्सन रिस्पॉन्स रिलैक्सन रिस्पॉन्स को भी हिंदी में क्या बोलेंगे स्थिलीकरण प्रतिक्रिया

When the or has or ended, जब क्या है कोई भी धमकी कोई भी खतरा या स्ट्रेसर कोई भी तनाव हैज गुजरता है और एंडेड अंत तक पहुंच जाता है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है हमारे शरीर के अंदर जब हमारे शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा बहुत बड़ी धमकी आती है थ्रेट आता है या स्ट्रेसर हमारे शरीर के अंदर तनाव हैज पास गुजरता ही जा रहा है गुजरता ही जा रहा है और एंडेड अंत स्थिति तक पहुंच चुका है तो ये पैरासिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड कॉन्शियसली होता है चेतना से हम क्या कर सकते हैं खुद भी इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं इस पैरासिम्फेटिटिक नर्वस सिस्टम को हम भी एक्टिवेट कर सकते हैं कैसे करेंगे बाय डिपिंग द ब्रेथ गहरी सांसें लेकर के एंड बाय रिलैक्सिंग द स्कैल्टन मसल्स हमारी मांसपेशियों को स्थिर करके यानी कि अपने आप को पूरा ढीला छोड़ करके रिलैक्स करके या फिर गहरी सांस लेकर के ब्रेथ डिपिंग द ब्रेथ ऐसा करके हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और जब ज्यादा स्ट्रेस होता है माइंड में तो ये खुद ही एक्टिवेट हो जाता है वैन एक्टिवेटेड जब हम एक्टिवेट करते हैं द पैरा नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन जब भी एक्टिवेट हो जाता है यानी कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया जैसे भी हुआ हमने कॉन्शियसली किया या फिर अपने आप हुआ द दैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर तो ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को कम कर देता है हार्ट रेट को कम कर देता है रेस्पिरेशन द पेस ऑफ ब्रेथ ब्रेथ हमारी जो सांस लेने की गति है रेस्पिरेशन हमारी जो श्वसन गति है ठीक है श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेशन को बोला जाता है श्वसन प्रक्रिया द पेस ऑफ द ब्रेथ सांस लेने की जो गति है उसको भी कम कर देता है डाइजेशन एंड एलिमिनेशन कल भी बताया था डाइजेशन कहते हैं पाचन क्रिया को और एलिमिनेशन कहते हैं उत्सर्जन क्रिया को पाचन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिम्युलेटेड हाँ ये क्या करता है पाचन क्रिया को और उत्सर्जन क्रिया को अनुमति देता है स्टिम्युलेट करना अलाउड टू बी इसको स्टिम्युलेट करने के स्टिम्युलेट होता है आगे बढ़ने की उत्तेजित होने की अनुमति दे देता है एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रैवल टू द डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंडियर एंड इम्यून सिस्टम खून जो है रक्त जो है ब्लड जो है हमारे शरीर में इज फ्री फ्री होता है ट्रैवल यात्रा करने के लिए डाइजेस्टिव पाचन क्रिया की तरफ रिप्रोडक्टिव पुनर्निर्माण की जो अपने शरीर के अंदर प्रोडक्ट निर्माण होता है उसकी तरफ ग्लैंडियोर ग्लैंडियर क्या को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां ग्रंथियों की तरफ इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरफ यदि हमारा पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो ये क्या करेगा पाचन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया को अनुमति देगा टू बी की प्रेरित रही है यानी कि एक्टिवेट रहती है सही तरीके से ब्लड भी क्या है अच्छी तरीके से ट्रेवल करता है यानी कि हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह से बहता है पाचन क्रिया की तरफ रिप्रोडक्टिव की तरफ सारी ग्रंथियों की तरफ भी और इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ सिस्टम जो है ये वाले आवश्यक है बताया था कि पैरासिपेटिक नर्वस सिस्टम को ही हम रिलेक्शन रिस्पॉन्स बोलते हैं रिलेक्शन रिस्पॉन्स मतलब स्थिलीकरण की प्रक्रिया स्थिलीकरण के प्रति प्रतिक्रिया इज ऑल्सो नोन इसको जाना जाता है एज द रेस्ट एंड रेन्यू स्टेज रेस्ट मतलब आराम करना रेन्यू मतलब एक नवीनीकरण करना कोई भी चीज एक नए तरीके से निर्माण करना रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को हम अपने शरीर के अंदर रेस्ट एंड रेन्यू स्टेज के नाम से भी जानते हैं व्हेन द बॉडी हैज द टाइम जब हमारे शरीर के पास पूर्ण रूप से समय होता है एंड रिसोर्स और श्रोत होते हैं टू हील द बॉडी कि हम अपने शरीर को स्वस्थ या हेल्दी रख सकते हैं जब रेस्ट एंड रेन्यू स्टेज पर हमारी बॉडी होती है उस टाइम पे हमारी बॉडी के पास फुल टाइम होता है अच्छे तरीके से रिसोर्स अच्छे श्रोत होते हैं कि वो क्या कर सकता है हमारी बॉडी को स्वस्थ रख सकता है एंड टू रिस्पोंड टू इलनेस और किसी भी बीमारी के प्रति रिस्पोंस कर सकता है क्योंकि यदि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो यदि कोई भी बीमारी हो तो हम उसके प्रति अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे यानी कि उसके से जल्दी ही ठीक हो जाएंगे ऑब्वियसली ये बात स्पष्ट है बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है जैसे जैसे बारंबारता बढ़ती जाती है टाइम समय बढ़ता जाता है डेप्थ गहराई बढ़ती जाती है ऑफ द रिलेक्स रिस्पॉन्स रिलेक्स रिस्पॉन्स की वी नॉट ओनली अलाउ अवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस हम न केवल अपने शरीर को अलाउ करते हैं कि वो ठीक हो जाए बीमारियों से क्या है दोबारा देखो ये इस बात स्पष्ट हो गया कि ये पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम या फिर जिसे हम रिलैक्स रिस्पांस बोलते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है इसकी वजह से हम बीमारियों के प्रति बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं तो अब क्या है कि यदि हमारे अंदर इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई फ्रीक्वेंसी बारम्बार को बोलते हैं संख्या यानी कि इस ये सिस्टम हमारे शरीर के अंदर बार बार एक्टिव हो रहा है इसका हमारे शरीर में रहने का टाइम बहुत अच्छा है गहराई बहुत अच्छी है किसकी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की तब हम क्या करेंगे हमारा शरीर न केवल बीमारियों से जल्दी रिकवर करेगा ठीक हो जाएगा बट वी प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउविंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंशन टास्क हम हमारे शरीर को व्यवहार में ला सकते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन कि वो किसी भी दवाइयों से सुरक्षा कर सकता है अलाउविंग द बॉडी अपने शरीर को अलाउ करके अनुमति दे के कि वो कार्य करे आवश्यक रूप से अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए पहली बात हम अपने आप को बीमारियों से ठीक कर लेंगे दूसरी बात अगर हमें कोई मेडिसिन दी जा रही है तो हम हमारे शरीर को अच्छे तरीके से अनुमति देंगे कि आप उस मेडिसिन के प्रति अच्छे से रिस्पॉन्स करो और आपके शरीर के जो भी आवश्यक कार्य हैं जिससे हम अपने आप को मैंटेन रख सकते हैं वो कार्य परफॉर्म करो किसकी वजह से रिलैक्शन रिस्पॉन्स की वजह से योगा बार -बार, और गहरी सांस लो योगा सबसे बड़ा चीज है ये लंबी और गहरी सांस लेना एंड कॉन्शियस रिलैक्शन एक्टिवेट्स चेतना से रिलैक्शन एक्टिवेट कॉन्शियसली यानी कि अपने आप एक्टिवेट करो किस चीज को रिलैक्शन को ये जो ऊपर बताया गया रिलैक्सिंग रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करो द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एंड प्रोमोट इट्स रेस्ट एंड रेन्यू फंक्शन और प्रोमोट करना बढ़ाओ बढ़ाना होता है प्रोमोट करना इसका जो रेस्ट एंड रेन्यू फंक्शन है क्या है योगा हमारे शरीर में बार बार एक ही बात के लिए एम्फेसाइज करता है दबाव देता है कि आप क्या करो डीप ब्रेथिंग लॉन्ग एंड डीप जब हम गहरी सांस लेंगे लंबी सांस लेंगे तो हम क्या करेंगे कॉन्सियसली हमारे शरीर को एक्टिवेट करेंगे पूरा रिलैक्स करके शरीर को एक्टिवेट करेंगे किस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम रिलैक्सेशन रिस्पांस है एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रेन्यू फंक्शन उसके वजह से हमारे शरीर का जो रेस्ट एंड रेन्यू फंक्शन है रेस्ट एंड रेन्यू अपने शरीर के अंदर नवीनीकरण करना अपने शरीर को आराम देना उस कार्य के अंदर बढ़ोतरी होगी इनफैक्ट ए रिसेंट स्टडी अभी अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया है हैज शोन उसने ये दिखाया है योगा टू डिक्रीज़ द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल योगा जो है डिक्रीज़ होता है कम कर देना योगा कम कर देता है स्ट्रेस और हार जो कोटिसोल हारमोन है हमारे शरीर के अंदर उसके स्तर को कम कर देता है ब्लड के अंदर ऊपर भी बताया गया कि कोर्टिसोल की अगर ज्यादा मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर तो यह बहुत बुरा इफेक्ट डालता है तो अगर हम योगा करेंगे तो योगा की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो ये हार्मोन की मात्रा ये जो स्ट्रेस का लेवल हाई पर है उसको क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा कम कर देगा द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा मेडिटेटिव ध्यान लगाना मेडिटेशन करना मेडिटेशन होता है एकाग्र चित्त एकाग्र होकर ध्यान लगाना मेडिटेट जब हम करते हैं हमें आसपास की किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना होता हम बस मेडिटेशन करते हैं तो जब मेडिटेटिव प्रैक्टिस होती है योगा की हेल्प टू रिड्यूस द रिस्पॉन्फ द माइंड टू स्ट्रेसर तो ये हमारी मदद करता है कि हम कम कर सकते हैं माइंड टू स्ट्रेसर हमारे दिमाग से तनाव को कम कर सकते हैं स्ट्रेस को कम कर सकते हैं एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स लेसन कम कर सकते हैं इंटेंसिटी गहनता को इंटेंसिटी को हिंदी में क्या बोल दिया जाता है गहनता गहनता का मतलब हम किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर बहुत ज्यादा गहराई से उस पर काम करते हैं उसको इंटेंसिटी बोला जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यदि हमारा शरीर बार बार फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दे रहा है तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन की वजह से हमारा जो ये रिस्पांस है ये कम हो जाएगा और फाइट और फ्लाइट का जो रिस्पांस है उसमें भी कमी आएगी क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पांस थोड़े समय के लिए ही सही होता है अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो तो ये हमारे शरीर के ऊपर गलत प्रभाव डालता है तो मेडिटेटिव प्रैक्टिस की वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी कमी आएगी और हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस है उसके अंदर भी कमी आएगी योगा आल्सो टीचर्स योगा हमें सिखाता है हमारे दिमाग के अंदर कोई संभावित स्ट्रेस है भी तो उसको एज ए चैलेंज लो आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस आ भी जाए तो आप उसे थ्रेट एक धमकी एक खतरा ना समझ के क्या समझो एक चैलेंज समझो एक चुनौती समझो अपने लाइफ के अंदर

तो ये है हमारा आज का चैप्टर हाउ योगा हिल्स इसका नेक्स्ट uh, पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ही अपने इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करेंगे पहले बात तो सारे क्वेश्चन आंसर जो जो एक वन एक लाइन पढ़ाई है प्रत्येक लाइन के अंदर इसका आंसर है ऑलरेडी बता चुकी लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे उसके बारे में और आपका जितना भी वर्क पेंडिंग पड़ा है वो आप वर्क कंप्लीट कीजिए और रेगुलर कंटिन्यू अपनी स्टडी रखिए थैंक यू Yeah. <laughs>